हेलो एवरीवन, सो टुडे आई विल बी शोइंग द रिक्रिएशन रूम, बेसिकली द क्रू रिक्रिएशन रूम, ऑफिसर्स रिक्रिएशन रूम. सो दिस इज द रिक्रिएशन लॉन्ज. सो ये जो है ऑफिसर रिक्रिएशन लॉन्ज है या रूम है, इसके अंदर बैठ के आप टाइम पास कर सकते हो. कुछ मूवी देखना है मूवी देख सकते हो, कुछ गेम्स खेलना है या टाइम पास करने के लिए बेसिकली होता है ये. इधर है बैठ के अगर कुछ खाना पीना है, स्नैक्स वो सब आप बैठ के इधर खाओ. ये इधर है बार टाइप से बना हुआ है, अगर बैठ के कुछ पीना है या करना है तो वो आप कर सकते हो. लेकिन ये छोटे छोटे बैठने की जगह बनाए हुए हैं. इधर से भी एक डोर है, इधर से भी एक डोर है, इधर से भी आप जा सकते हो. ये फ्रिज लगा हुआ है, बड़ा सा एक फ्रिज लगा हुआ है. तो इस पे अभी तो बिल्कुल ब्लैंक है, अभी कुछ भी नहीं है. इधर भी छोटे छोटे ड्रॉर्स हैं, इधर भी बैठने के लिए ये बना हुआ है डेकोरेशन. छोटे छोटे सोफेज हैं. और ये सब बेसिकली नाउडेज द पीपल्स आर नॉट यूजिंग दिस बिकॉज दे डोंट हैव द टाइम ऑन द शिप आल्सो एंड दे डोंट हैव द बिकॉज ये सब अर्लियर डेज में ज़्यादा यूज होते थे. उस टाइम में इंटरनेट नहीं होते थे. अभी क्या इंटरनेट अभी जैसे ऑफ होता है, सब लोग वाईफाई कनेक्ट करते हैं और अपने अपने मतलब इंटरनेट पे मोबाइल पे टाइम पास कर लेते हैं. पहले क्या होता था, पहले मोबाइल नहीं होता था. तो मोबाइल नहीं होता था तो सब पब्लिक इधर ही आ करके बैठ के अपना आपस में ही टाइम पास कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं. अभी ये इधर है एक, इधर ये अंदर ये थिएटर लगा हुआ है, बड़ा सा देख रहे हो. टीवी एलसीडी पैनल है, पूरा होम थिएटर लगा हुआ है. अलग अलग मूवी के आपको यहाँ पे रहेंगे, जिसको किसी को देखना हो तो ये जैसे मूवी के सीडी के सेट्स तो आप देख सकते हो. ये सब गेम्स का भी है, प्ले स्टेशन सब भी यहाँ पे रहते हैं. लेकिन अभी है किसी के पास वो कोई इंटरटेन उतना करता नहीं है. ये है बेसिकली रिक्रिएशन रूम ऑफिसर्स शिप पे जो ऑफिसर्स के होते हैं, ऑफिसर्स रिक्रिएशन रूम. ये इधर ये मैगजीन सब हैं, अगर मैगजीन सब पढ़ना है तो वो भी आप कर सकते हो. उधर भी कुछ मैगजीन्स हैं. सो बेसिकली यही है और दे आर नथिंग टू डू, नथिंग मच. जनरली व्हेन यू यूज दिस रूम देन ओनली द मोर द फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल और द मोर द आइटम्स विल बी अवेलेबल बिकॉज नोबडी इज यूजिंग दिस रिक्रिएशन रूम. सो पूरा सन्नाटा है, पूरा कुछ भी इसमें नहीं. जैसे फ्रिज के अंदर है, फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है. जैसे अगर कोई यूज करे, कोई अगर आए इधर रहे तो फिर टाइम पास करे, कोई बैठे तो ही कुछ इसमें कोल्ड ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक या कुछ भी वाटर या कुछ भी ऐसा रहेगा. लेकिन कुछ है नहीं खाने पीने का, स्नैक्स उधर आप बैठ के, वो जो टेबल आप देख रहे हो वो टेबल पर बैठ के खाने का. इधर है कुछ आपको सॉफ्ट ड्रिंक ड्रिंक करना है तो आप इस पर बैठ के बाहर के स्टाइल में बना हुआ. ज़्यादा कुछ नहीं बना हुआ तो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी लग्जरियस स्टाइल में रिक्रिएशन रूम को बनाया गया है. लेकिन जिस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर किया गया उस हिसाब से इसका कोई यूजेज है नहीं. ऐसे पब्लिक आते हैं कभी कभी, जब पार्टी होते हैं तब हम लोग इसका यूज करते हैं. व्हेन देयर इज ए पार्टी ऑन द शिप, लाइक एनी ओकेजनल पार्टी, एनी बर्थडे सेलिब्रेशन इज देयर, क्रिसमस डे, एनी फेस्टिवल्स आर देयर, देन वी आर यूजिंग दिस रिक्रिएशन रूम फॉर इनडोर पार्टी. नॉट देयर जनरली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द पार्टी, आउटडोर एंड इनडोर. सो इन दिस व्हेन वी हैव द इनडोर पार्टी देन वी यूज दिस रिक्रिएशन रूम. एंड व्हेन वी हैव द आउटडोर पार्टी लाइक बारबेक्यू पार्टी देन दैट टाइम वी यूज द आउट डेक. आई विल शो यू लेटर द वेयर वी जनरली यूज टू डू द outdoor party, that is the barbecue party. In that the we have the barbecue slab and in that we generally cook the
तंदूरी आइटम्स लाइक चिकन प्रॉन्स मटन लाइक दिस फिश. बट वेन वी हैव द इनसाइड इंडोर पार्टी, जनरली इंडोर पार्टी वी डोंट हैव द बारबेक्यू, बट वी विल हैव द मल्टीपल आइटम्स लाइक पकौड़ाज लाइक दिस. सो इन दैट सिनेरियो वी यूज दिस रूम. सो यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटीफुल दिस रूम्स अरेंज्ड. सो ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द new things about the ships, what are the things available inside the ship. बहुत कुछ होते हैं, जिम भी हैं, जिमनासियम भी दिखाऊंगा किसी दिन मैं, और भी अलग अलग आइटम होते हैं, गैली का भी मैं टूर दिखाऊंगा, ऑफिसर्स मेस रूम, क्रू मेस रूम, ये सब भी मैं दिखाऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक यू.